आप सबसे अनुरोध है 28 तारीख को हम महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए, अपनी बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारी नई संसद के सामने हम पंचायत कर रहे हैं। हम सबसे अनुरोध है, जैसे आज आप हमारे न्याय की लड़ाई में हिस्सा बनने के लिए आए हैं, आप जो हमारी ताकत बनने का काम कर रहे हैं, देश की हर बेटी जो जुल्म सहती आई है उसको आप ताकत देने का काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसी के अनुरोध में 28 तारीख को नई संसद भवन के सामने सुबह 11 बजे आप सभी आइए, और वहाँ पे जो हमारी मातृ शक्ति फैसला लेगी अपनी बेटियों की न्याय की लड़ाई में वो हमें मंजूर होगा, और प्लीज आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। लड़ाई असमत की और बेटी की आ चुकी है, बेटी की लड़ाई में ये जो हमारे खंड में बड़े बुजुर्ग है इन्होंने जो खाना है वो करके दिखाएंगे हम सब लोग इनके साथ। महिलाएं इस बार आगे हैं इस आंदोलन में, खासकर 1 महीने हो चुके हैं। देखिए ये लड़ाई ही महिलाओं की, बेटियों के साथ अन्याय हुआ, बेटियों का साथ देने के लिए पूरे देश से महिलाओं का जो समर्थन निकल के आ रहा है उसको देख के इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि आपकी चूल्हे हिलने वाली है, आप अपराधी के साथ क्यों खड़े। आप अपराधी जो है वो दिन ब दिन बयान देता जा रहा है कि अब उन्होंने रख दिया जो है अपना बयान कि नार्को टेस्ट पहलवानों का भी कराओ, वो आरोपी है, आरोपी को कोई हक नहीं होता ऑब्जेक्शन करने का, और जिस जो आरोपी होता है नार्को टेस्ट देख सकते हैं कि अभी ये राष्ट्रगान हो रहा है, यहाँ पर इंडिया गेट पर सारे पहलवान राष्ट्रगान कर रहे हैं। आप सामने विनेश फोगाट और सचिन मलिक इन तमाम खिलाड़ियों को देख सकते हैं, ये इंडिया गेट का सीन आप देख सकते हैं, तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं जाने दिया गया, लेकिन फिर भी हमारे हौसले कमजोर नहीं हैं, हमारा मनोबल कमजोर नहीं हुआ है। हम जहां थे वहीं पर इन्होंने रोक दिया, हमने वहीं से अपने कैंडल मार्च को सफल करके यहां से अब हम थोड़ी देर में जंतर मंतर की ओर निकलेंगे और वहां से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन ये इस बात का आगाज है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इनकी मांगों को नहीं माना
ब्रजभूषण को जेल नहीं पहुंचाया, इनके साथ न्याय नहीं किया, तो ये खिलाड़ी बहुत बड़ी लड़ाई इस देश में छेड़ने वाले हैं। शायद अगर मैं इतना भी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इतिहास बनने वाला है ये लड़ाई उस स्तर तक। 28 तारीख की ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि पहलवान भी अभी अपील कर रहे थे 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और 28 तारीख की कॉल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस सरकार को सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ी तो उस संसद भवन से तमाम सांसदों को बाहर निकालने का काम करेंगे और उसके अंदर बैठकर जो संसद में बैठते हैं, जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दो शब्द नहीं बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को संसद में बैठने का अधिकार नहीं, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री हो या फिर कोई और। हमारे देश की तमाम महिलाएं उस संसद के अंदर बैठ करके इन बेटियों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगी, तो न्याय दिलाने का काम करेंगी। सत्यपाल मलिक जी भी व्हील चेयर पर यहाँ पर दिखे हैं मार्च में, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं दिखा। अब आप देखिए, वो तो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री से उनसे बहुत जूनियर हैं और तमाम नेता तो बौने साबित होते हैं उनके सामने, लेकिन उनका जमीर जिंदा है। उनको लगता है कि ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, किसी कौम की नहीं, किसी वर्ग की नहीं, ये लड़ाई इस देश की बेटियों की है, ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई इस देश के नौजवान की है, जिसको लड़ना, जिसको समर्थन देना हमारा नैतिक अधिकार है। अगर कोई इसमें नहीं खड़ा होता है तो मैं समझता हूँ कि वो मानवता प्रेमी नहीं है, वो इंसानियत प्रेमी नहीं है, वो बहन बेटियों की रक्षा नहीं चाहता है, वो ब्रजभूषण जैसे राक्षसियों के साथ में खड़ा है, बलात्कारियों के साथ में खड़ा है, और सत्यपाल मलिक जैसे इंसान इस बात के प्रतीक बन चुके हैं कि राज्यसभा तमाम राजनीतिक पद की लालसा छोड़ करके यदि न्याय के साथ खड़े होने की जरूरत पड़ेगी तो तमाम चीजें त्याग दी जाएंगी, लेकिन बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवाज हमें उठानी पड़ेगी। पूरा देश देख रहा है कि इंडिया गेट पर एक जो रोशनी होती है और इसमें कैंडल की रोशनी जो दिख रही है, पूरा देश में संदेश जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी भी चुप रहेंगे। जा रहा है संदेश और ये देश देखे, आंखें खोल करके देखे, कानों से रुई लगा करके सुने, यहाँ से पहलवान आवाज उठा रहे हैं। क्या ये भीड़ इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री अभी भी ब्रजभूषण के पक्ष में खड़े हैं? क्यों आखिर 31 दिन होने के बाद एक शब्द प्रधानमंत्री से बोला नहीं गया? ये वही प्रधानमंत्री हैं जब ये मेडल लेकर के आई थी, इनके साथ खाना खाया था, हमारी बेटियों को अपनी बिरादरी अपने परिवार का बताया था, फिर आज जब ये 30 दिनों से बैठी हैं, न्याय मांग रही हैं, फिर क्यों आखिर इनको न्याय नहीं देना चाहते हो? क्यों ब्रजभूषण को बचाना चाहते हो? क्या ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने से तुमको कोई नुकसान हो जाएगा? आप इन बेटियों की इज्जत पर, इन बेटियों की अस्मिता पर वोटों की कैलकुलेशन करने में लगे हुए हो और सरेआम इनकी इज्जत को तार तार करने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोकतंत्र को, शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र चलाने वाले को। प्रधानमंत्री की आंखों में थोड़ा सा भी अगर शर्म और हया का पानी बचा हो तो उनको तत्काल प्रभाव में 28 तारीख होने से पहले इन बेटियों को न्याय देना चाहिए और ब्रजभूषण जैसे दुराचारी को उठा करके जेल में डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान आंदोलन से भी बड़ा कोई आंदोलन इस देश में छिड़ जाए, और आंदोलन की ताकत और हैसियत क्या होती है ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि देश की जिस गद्दी पर बैठ करके देश का संचालन कर रहे हैं वो भी कभी ना कभी आंदोलन करके ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और ये देश धीरे धीरे परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, और इस बात का संकेत और अगुवाई भी है। अगर इसी मानसिकता के साथ हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हो तो ये मानसिकता हिंदुस्तान को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। 2024 में आपके पापों की, आपके कुकर्मों की सजा देने का काम इस देश की जनता आपको करेगी। तैयार रहिएगा इस बात के लिए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब याचना नहीं रण होगा, ये रण बहुत भीषण होगा, क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन सिस्टम को, अब इसलिए सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।